हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज हम बना रहे हैं चिकन चंगेजी। उसके लिए मैंने आधा किलो चिकन को अच्छे से धोकर वॉश करके रख लिया है, और आधा किलो चिकन में हम आधा किलो मैंने ये टमाटर पीस कर रख लिए हैं, और ये मैंने दो प्याज़ों को पीस कर रख लिया है, और ये एक प्याज को मैंने बारीक करके कट कर लिया है। इसे हम ब्राउन करेंगे। और ये कुछ मसाले लिए हैं यहाँ, ये मैंने एक चम्मच लाल मिर्च ले ली है पिसी हुई, दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, आधा चम्मच पिसी हुई अजवाइन, आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और एक चम्मच नमक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये मैंने अपने भगोने में एक चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। अभी मैंने ऑयल थोड़ा इसलिए लिया है क्योंकि मुझे जो ये एक प्याली मैंने प्याज कट करी थी बारीक करके, इसको मैं सबसे पहले ब्राउन कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये प्याज को मैंने अच्छे से ब्राउन कर लिया है, इसे मैं निकाल दूंगी और अब मैं इसमें और ऑयल डालकर उसको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने और दो चम्मच और ऑयल डाल दिया था इसमें, और अब ये सबसे पहले मैं इसमें पिसी हुई प्याज ऐड कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसे प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है, जो मैंने इसमें पिसी हुई प्याज डाली है। जब ये अच्छे से भुन जाए, गोल्डन हो जाए, तो फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे, जो हमने टमाटरों को पीस के रख लिया था। अभी हमारी प्याज देखिए फ्रेंड, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, मैंने इसे भुनी। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। देखिए फ्रेंड, पहले मैंने इसमें प्याज ब्राउन करी थी, फिर अब उसी में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसे अच्छे से ब्राउन कर लिया है, और अब मैं इसमें जो मैंने टमाटर पीसे थे, टमाटर के साथ मैंने हरी मिर्च भी पीसी थी 2-4 इसमें, अब मैं इसको इसमें ऐड कर देती हूँ। अब हम इसे डाल के अच्छे से भून लेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने इसमें टमाटर के जो पीस के रखा था टमाटरों को उन्हें डाल दिया, और अब मैं इसमें ये सूखी लाल मिर्च भी डाल दूँगी और ये नमक। और अब हम इन्हें टमाटर जो ये मैंने इसमें डाले हैं, इन्हें कम से कम 20-25 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर ऐसे ही पका लेना है। जब ये हल्का भुनने लग जाएगा तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। आप देखिए, तेल अलग और ये टमाटर अलग, इसका मतलब कि ये टमाटर और प्याज जो था, सारे मसाले सब अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें मैं ये चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन को हमें इसमें फ्राई नहीं करना होता है, हमें इसे ऐसे ही ऐड कर देना है। और जो ये मैंने अजवाइन ली थी और ये गरम मसाला लिया था, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब पकाने के लिए रख देंगे। अभी इसे पकने में 20-25 मिनट और लगेंगे फ्रेंड्स। 20-25 मिनट बाद ये रेडी हो जाएगा, और इसे धीमी धीमी आँच पर ही बनाना है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जब मैंने चिकन डाल दिया था, अभी अच्छे से भुनने लगा है, और जो मैंने प्याज ब्राउन करी थी उसको डाल दूंगी अब मैं इसमें, और इसको भी डाल के हमें अच्छे से भून लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें प्याज डाल दी थी ब्राउन वाली, अब ये भुन रहा है अच्छे से, और उसके बाद हमें इसमें ये मोटी वाली हरी मिर्चें कट करके डाल देनी है। इन मिर्चों से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, और ये मिर्च खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। अभी इन्हें कम से कम हमें 15-20 मिनट तक और ऐसे ही गोश्त को भून लेना है, इसे चिकन को। तो देखिए फ्रेंड्स, एक इतना बड़ा चम्मच इसमें ये मैंने विनेगर डाल दिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है विनेगर से। और देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 चम्मच खाने वाले जो होता हमारा छोटा वाला चम्मच, ये हमें सोया सॉस डाल देनी है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। बिल्कुल होटल जैसी, रेस्टोरेंट जैसी चंगेजी बनकर एकदम तैयार हो जाता है ये। देखिए, इसको डालने से कलर भी चेंज हो गया इसका, बिल्कुल होटल जैसा चंगेजी बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब हमें और अच्छे से इसे भून लेना है 15-20 मिनट तक। इसको धीमी धीमी आँच पर ही बनाना होता है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चिकन चंगेजी बहुत ही अच्छे से पककर रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें गार्निश के लिए हरा धनिया ऐड करूँगी। हरा धनिया फ्रेंड्स थोड़ा ज़्यादा सा डलता है,
इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्ट अच्छा आ जाता है हरे धनिए से। खूब सारा हरा धनिया डालना है आपको भी इसमें। मैंने सब हरा धनिया डाल दिया है जो भी इसमें कट करा था। हरे धनिए के बिना इसका टेस्ट अधूरा रह जाता है फ्रेंड्स। हरा धनिया इसमें बहुत अच्छे से डालना होता है। और ये जो मिर्चें डाली हैं हमने, ये तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और अब ये हमारा चिकन चंगेजी बनकर एकदम रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, चिकन चंगेजी हमारा एकदम रेडी हो चुका है। मैंने सर्व कर दिया है। कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में भी। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरे तरीके से। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी लगता है ये चंगेजी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।